नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसमें हम वोट मांगने नहीं निकल रहे हैं। देश में अमीर गरीब की दूरी बढ़ती जा रही है। धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उसे दूर करना ही उद्देश्य है। कांग्रेस का कहना है भारतीय संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है। जो सच बोलता है, मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अगले चार दिनों तक प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसके लिए वो बुधवार को दिल्ली से अपने पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ इंदौर पहुंची। वो यात्रा में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से बुरहानपुर के लिए रवाना हो गईं। बुरहानपुर से लेकर इंदौर तक ये यात्रा में वो शामिल रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब चार दिन तक अपनी बहन प्रियंका गांधी का साथ भी मिलेगा। ये पहला मौका होगा जब प्रियंका इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी। चार दिनों तक वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगी। उज्जैन में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि ससुर ने जंगल में ले जाकर बहू के साथ दुष्कर्म किया। 3 महीने बाद जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो फिर हंगामा मच गया। महिला ने पति के साथ जाकर महिला थाने में आरोपी ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। छतरपुर के नौगांव में एक विवाह समारोह से चोरी का मामला सामने आया था। दूल्हे के पिता के कमरे में रखा एक बैग चोरी हो गया था। बैग में 1,00,000 रुपए और नकदी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी तुरंत ही नौगांव पुलिस को दी गई। मौके पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा तो एक युवक बैग लेता हुआ नजर आता है। और वहीं लड़के पक्ष की ओर से नौगांव थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बैग में 1,00,000 के जेवर और नकदी बताए गए हैं। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। नौगांव पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बहुचर्चित कारोबारी अजय गुप्ता हत्याकांड मामले पुलिस ने 7 लीटरों को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सजा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट ने सुनाई। दरअसल 24 सितंबर 2018 की रात 4 लुटेरों ने बहोड़ापुर स्थित कोल्ड स्टोरेज धर्मकांटे में घुसकर कारोबारी अजय गुप्ता के पेट में गोली मार दी थी और धर्मकांटे के ऑफिस में रखे करीब 60,00,000 रुपए लूट कर ले गए थे। इस दौरान 14 दिन बाद अजय गुप्ता ने दिल्ली के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट की वारदात में शामिल मास्टरमाइंड रामवीर सिंह कुशवाहा सहित 6 लोगों को पकड़ लिया। लूट और हत्या का मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस मामले में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कटनी रीठी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अज्ञात 4-व्हीलर वाहन ने एक बाइक को रौंद दिया है, जिसमें बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पूरे हादसे की बात की जाए तो यह हादसा कटनी रीठी रोड के देवी फाटक के पास बताया गया, जिसमें एक बाइक में सवार 3 युवक रीठी से पटुहा की ओर से जा रहे थे। तभी किसी 4-व्हीलर वाहन ने इनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और 4-व्हीलर वाहन युवकों को रौंदते हुए फरार हो गया। पुलिस को इस बात की जानकारी राहगीरों की ओर से दी गई थी। इस पूरे हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो चुकी है। साथ ही शवों को रीठी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच कटनी की रीठी पुलिस की ओर से की जा रही है। अज्ञात 4-व्हीलर वाहन की भी तलाश पुलिस कर रही है। उधर नरसिंहपुर में गाडरवारा एसडीओपी का रीडर संजय दीक्षित 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त जबलपुर में यह कार्रवाई की है और नरसिंहपुर मगरथा के 67 वर्षीय बुजुर्ग के परिवार के खिलाफ उनके बड़े बेटे की बहू ने मरने के पहले गाडरवारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। 30,000 की राशि लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने एसडीओपी के रीडर को रंगे हाथों धर दबोचा है। ग्वालियर की सड़कों पर पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने हेलमेट मामले में पुलिस को निर्देश दे दिया है कि वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए नियम का पालन कराएं, लेकिन कई वाहन चालक आज भी ऐसा करते हैं, वो हेलमेट पहनते नहीं हैं। यही वजह है कि अब यातायात पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गांधीवादी तरीके से वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर दिया और ग्वालियर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सामाजिक संस्थाओं की ओर से यातायात पुलिस बगैर हेलमेट धारियों को गुलाब का फूल भेंट कर रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि बगैर हेलमेट से क्या नुकसान है। इसके साथ ही जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर सड़क पर निकल रहे हैं और उन्हें थैंक यू कहकर बिस्किट का एक पैकेट भी दिया जा रहा है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।